दोस्तों पठान और जवान और डंकी को ब्लॉकबस्टर होने के बाद एक और बहुत बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर सामने आ चुके हैं जो कि शाहरुख खान के साथ फिल्म करना चाहते हैं। दोस्तों जैसा माहौल वैसा भैंस। दोस्तों करण जौहर ने ये कन्फर्म कर दिया है कि भाई शाहरुख खान के साथ मेरी एक फ़िल्म आने वाली है। कौन सी फिल्म आने वाली है, कौन से साल में आएगी, फिल्म कैसी होने वाली है, स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों आप सबको तो पता है कि पठान और जवान सक्सेस होने के बाद दोस्तों शाहरुख खान के घर मन्नत के आगे लाइन लग चुकी है स्क्रिप्टों की, डायरेक्टरों की, प्रोड्यूसर की। दोस्तों कोई पैसा लगाओ मत लगाओ भाई शाहरुख खान अपनी फिल्म में दोस्तों खुद पैसा लगाते हैं, कोई टाइम नहीं, सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट की तरह से। दोस्तों करण जौहर चाहते हैं कि भाई मैं एक ऐसी फिल्म लाऊं जो कि शाहरुख खान उसके अंदर हो और एक एक एक्शन फिल्म हो, क्योंकि भाई करण जौहर इस बार भाई कोई रोमांटिक फिल्म नहीं ला रहे, कोई स्टोरी लाइन फिल्म नहीं ला रहे, सिर्फ भाई एक्शन फिल्म ला रहे। उनका मानना है कि मैं शाहरुख खान के फैंस को ऐसा एक्शन दिखाऊंगा जो कि उन्होंने आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं देखा होगा। दोस्तों ऐसा एक्शन दिखाने वाले हैं करण जौहर शाहरुख खान के साथ, ऐसी एक्शन फिल्म बनाने वाले हैं। दोस्तों तो भाई इससे पहले करण जौहर और शाहरुख खान के साथ कौन कौन सी मूवी है दोस्तों, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जो कि 2004 में आई थी, कुछ कुछ होता 1995 में आई थी, नहीं 1998 में आई थी, कभी अलविदा ना कहना दोस्तों शायद 2006 में आई थी, माय नेम इज़ खान 2010 में आई थी। इस पर भी माय नेम इज़ खान पर दोस्तों बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन भाई इतनी नफरती माहौल के अंदर शाहरुख खान ने फिल्म ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कर दी थी। दोस्तों मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी लेकिन भाई हिट हो गई थी, ये बात पक्की है। तो गाइस यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि भाई शाहरुख खान के साथ इसके अंदर रणवीर सिंह भी हो सकते हैं, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है दोस्तों, भाई हो सकते हैं, मतलब शाहरुख खान के साथ तो दोस्तों फिल्म है ही, और ये फिल्म एक्शन ड्रामा होने वाली है। दोस्तों ऐसा एक्शन होगा जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा, बाकी अगर ये कंफर्म अपडेट है तो भाई अगर दोनों एक साथ आते हैं तो गाइस ये फिल्म भी बहुत तगड़ा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि भाई शाहरुख खान का ऐसा मानना है कि भाई डंकी के बाद मैं कोई अब स्लो मूवी नहीं करने वाला दोस्तों, मैं सारी एक्शन ड्रामा फिल्म करूँगा, मारदाड़ फिल्म करूँगा। दोस्तों अगर शाहरुख खान भाई एक्शन फिल्म में घुस गए ना भाई, एक्शन थ्रिलर फिल्म में घुस गए भाई, बाकी एक्टरों का क्या होगा, बाकी आपको कितना एक्साइटमेंट है इस अपडेट है शाहरुख खान करण जौहर के साथ एक्शन फिल्म करने वाले हैं, फिल्म का नाम जैसी आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, बाकी आप कितना एक्साइटमेंट है कमेंट बॉक्स में बताएं, बाकी आपकी राय क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, नए चैनल सपोर्ट करें। दोस्तों